नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए सुबह सवेरे में जो खबर आपके सामने लेकर के आए उसने एक बार फिर से नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की चिंताएं तो लगातार बढ़ी हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो एक्ट कर रही है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका सिर्फ हामी भरने तक रह गई है। कई ऐसे फैसले हैं जो नीतीश कुमार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा है। आपको पता है कि नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल में से अब एकमात्र ऐसे दल रह गए हैं जो थोड़ा बहुत प्रभाव अपना रखते हैं। आपको बता दें कि बाकी के किसी दलों का कोई भरोसा या फिर उनसे मंत्रणा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बाध्य नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करने के बाद, किसी से कोई मंत्रणा नहीं करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले पर सभी को हुंकारी भरनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सोच समझ करके फैसला लेती है, लेकिन इन सब के बाद अब जो चर्चा शुरू हो गई है उस चर्चा में लगातार नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर के कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका फुल एंड फाइनल डेट कर दिया है। नीतीश कुमार के हाथ में अब ये कुर्सी जो मुख्यमंत्री की है बिहार की, वो अब बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। हालांकि इसके पीछे और कई वजह बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इंतज़ार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा एक्ट करे जिसके लिए उनके पास रास्ता निकले और वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोई नया रास्ता अपनाए। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह का करने जा रही है जिसको लेकर के चर्चाएँ ज़बरदस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को उस जगह ले जा करके छोड़ना चाहती है जहाँ से उनके पास कोई मौका नहीं हो फिर से वापसी का। यानी आप समझ रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से सत्ता का खेल चल रहा है, उस खेल में भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को अपने साथ रख रही है और साथ रहने के लिए मजबूर भी कर रही है। कई ऐसे अवसर आए जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग स्टैंड लेते रहे, लेकिन उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को खुले तौर पर नकार दिया। आपको बता दें कि कई ऐसी डिमांड थे जिसको लेकर नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े थे, लेकिन उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सिरे से ही खारिज कर दिया। अब स्थिति यह है कि लगातार ये चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब उस फैसले की तरफ पहुंच चुकी है, फाइनल स्टेज पर है, जहां नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी ले ली जाए। लगातार 17 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका सपोर्ट कर रही है। कई दल के नेताओं ने, और ख़ास करके कहा जाए तो एनडीए के करीबी नेताओं ने धीरे धीरे अब ये बात कहनी शुरू कर चुकी है। हालांकि विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि नीतीश कुमार तब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी चाहती है। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान की टीम लगातार इस बात को कह रही है। हमारी बात सतीश कुमार से हुई, इसके अलावा अन्य नेता, आपने देखा कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में जो नज़दीकियां पड़ रही थी, उन नज़दीकियों को और ज़्यादा बढ़ने का मौका मिला है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है उसको लेकर के चिराग पासवान की टीम का कहना है कि नीतीश कुमार के कुर्सी का फुल एंड फाइनल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है कि अब और नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की कुर्सी का जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगी या फिर बिहार में राजनीतिक बड़ी उथल पुथल होगी जिसको लेकर के नीतीश कुमार की कुर्सी का जाना तय है। इस सारी स्थितियों को देखते हुए जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो चिराग पासवान की टीम का कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव का वो डेट रखा है जिस डेट के बाद नीतीश कुमार पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टेप चिपका करके भारतीय जनता पार्टी ने चुप रखा है। अब देखना होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और इस रणनीति को लेकर के जो लगातार चिराग पासवान की टीम कह रही है और विपक्ष भी संभावना व्यक्त कर रहा है कि नीतीश कुमार से कभी भी भारतीय जनता पार्टी कुर्सी छीन सकती है, वो कितना सत्य है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से ये बातें नहीं कही है, उन्होंने तो कहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी 2025 तक है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर चिराग पासवान की माने तो फिर ये बात तय मान के चलिए कि बिहार में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।